नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है स्टॉक ट्रिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने लेके आया एक नया वीडियो जो आपको थोड़ा सा दिलासा नहीं दे सकता, मगर थोड़ा सा आपका प्रॉफिट बचा सकता है या फिर आपका स्टॉप लॉस बचा सकता है या फिर आपका थोड़ा सा लॉस बचा सकता है। देखिए दोस्तों, हमने पिछली बार जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट जो है वो क्या करने वाला है और मार्केट कब तक ऐसा करने वाला है, ये भी बातें हमने आपको बताई थी। चलिए तो हम चल रहे हैं यस बैंक के पास, जो कि हमने पिछले 10 मई को एक वीडियो बनाया था। 163 पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो वहां से हमने कहा था दोस्तों अबे मार्केट यस बैंक का पूरा ढहने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है। मगर साहब बहुत सारे दोस्तों ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, सर यस बैंक कितने तक गिरेगा। तो मैंने उस लास्ट वीडियो में डाला हुआ था कि यस बैंक ये 100 रुपये तक गिरने वाला है दोस्तों। हाँ, 100 रुपये तक गिरने वाला है, तो एक ध्यान में रखें, इस ट्रैप में ना फंसिए। 100 रुपये तक उसका रेंज बना हुआ है, टेक्निकली दिखा रहा है। जो आपको बड़े बड़े एक्सपर्ट है कंसल्टेंसी से कहने की कोशिश करेंगे दोस्तों, अभी तो मार्केट में थोड़ा सा पुल डाउन आया है, तो टेंशन मत लीजिए। मगर दोस्तों एक बात कह रहा हूँ आपसे, पुल डाउन आया है, पुल अप भी आएगा, मगर इस बैंक में फिलहाल तो कोई पुल अप की शक्यता ही दिख रही नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यस बैंक में फिलहाल करना क्या है। जब भी मार्केट नेगेटिव होता है तो आपको मार्केट में पूरा सहयोग के साथ, निफ्टी के साथ पूरा सहयोग करना है, फिर यस बैंक में आना है, उसे शॉर्ट सेल करना है। देन आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा 1, 2, 3, 4 रुपए का, उसे आप समेटिए, बाहर जाइए, आप इंट्राडे में कमा के निकल सकते हैं दोस्तों। मगर आज के रेट में, आज के डेज में आप सोच रहे होंगे मैं यस बैंक आज होल्डिंग के लिए डालूं, तो देखिए दोस्तों अगर कोई शेयर कम वैल्यूएशन में मिल रहा हो या चीप वैल्यूएशन में मिलना हो तो आप उसको जरूर खरीदेंगे। मगर दोस्तों आज यहाँ से खरीदोगे बाइंग डाल के तो गलत हो जाएगा दोस्तों, आपकी बाइंग फॉल रह जाएगी, क्योंकि जो अभी भी 42 का जो एक लेवल है वो लेवल टूट के आने के लिए थोड़ा समय लगेगा नीचे। तो 42 रुपीज़ का जो लेवल टूट के आने के नीचे समय लगेगा, उतना ही ज़्यादा समय उसको ऊपर जाने के लिए लगेगा। मतलब 42 रुपीज़ का लॉस है आपको बहुत दिनों तक दिखाने वाला है। तो यस बैंक में आप क्या कीजिएगा, 142.95 का जो अभी करंट रेट चल रहा है उसमें खरीदी मत कीजिए, सोचिए भी मत। आप इंट्राडे कर सकते हैं इसमें, मार्केट के फ्लो में जाके आप, अगर मार्केट नेगेटिव हो रहा है तो आप इस बैंक को शॉर्ट सेल पे लीजिए, इंट्राडे पैटर्न पे। इंट्राडे में आपको 1 या 2 रुपये या 3 रुपये या 4 रुपये मिल सकते हैं, आप उसमें खुश रहिएगा। आप ज़्यादा की आशा भी मत कीजिए, क्योंकि मार्केट अभी हाई वोलेटाइल हो गया है। जैसे कि सुबह मार्केट खुला था, लोगों को बहुत बड़ी आशा थी कि मार्केट अभी ग्रोथ करेगा, मगर यस बैंक और कुछ ऐसे शेयर्स थे, इंडसल बैंक भी है उसमें, फिर आपका दूसरा एक शेयर है उसने भी बहुत सारी गिरावट ऐसी बना दी कि पूरा मार्केट का माहौल ख़राब कर दिया और उसने पूरा मार्केट को पॉजिटिव से डाउन में कन्वर्ट कर दिया। देखिए दोस्तों, जितना चढ़ना था 72 पॉइंट के आसपास मार्केट चढ़ा, फिर देखिए क्या हुआ, 72 के आसपास मार्केट गिरा भी है। तो मार्केट में हाई वोलेटिलिटी बन चुकी है। और यस बैंक की बात करें तो यस बैंक में आपको तो बाइंग के लिए जाना ही नहीं है। यस बैंक में आपको खाली एक ही बात सोचनी है, अगर मार्केट का एक डाउन मूवमेंट आ रहा है, निफ्टी में डाउन मूवमेंट आ रहा है, तो हमें क्या करना है, उसके साथ चलना है, यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है। कहाँ पे, यस बैंक पे। आपको जो भी पॉइंट मिलेंगे निकल जाइए प्रॉफिट लेके। तो दोस्तों अभी यहाँ से रेंज बोलोगे, सर अभी तो हमने जैसे आपने कहा था वैसे जो बातें थी वैसी हो रही है। हाँ दोस्तों वैसी होगी, क्योंकि मार्केट में देखिए झूठ कब तक छुपेगा, झूठ का लंका कब तक बजेगा, कभी ना कभी सच्चाई सामने आती है। वैसा ही हुआ यस बैंक का, जब तक राणा कपूर थे तब तक उसकी झूठी तस्वीर थी वो छुपाई गई, फिर उसके बाद रमणीत गिल आए तो उन्होंने पूरा एक्सपोज ही कर दिया खुद के बैंक को कि देखिए हमारे बैंक NPA छुपा दी थी, कॉस्ट एसेट क्वालिटी हमारी ठीक नहीं है, हमारा EBITDA भी ख़राब हो चुका है और इस साल हमने प्रॉफिट भी अच्छा इस क्वार्टर में प्रॉफिट भी अच्छा नहीं किया। देखिए दोस्तों अभी प्रॉफिट ना करना ये कोई गलत बात नहीं है, या फिर कोई बड़ा गुनाह नहीं है देखिए प्रॉफिट ना करना। मगर दोस्तों इसके पीछे जितने कारण थे वो कारण का इस पे आके एकदम से पड़ना, तो मार्केट में यस बैंक का पूरा नेगेटिव क्रिएशन हो गया और यस बैंक ने इस क्वार्टर में पूरा लॉस हो गया, जो कि 1000 करोड़ का 50% का एज़ कम्पेयर टू लास्ट
ईयर टू क्वार्टर में ये जो प्रॉफिट कमाए थे 1590 का, तो इस साल खाली आपका 1000 ही प्रॉफिट बनते हुए दिखाता, तो फिर टोटल 50% का लॉस दिखाता इस बार के क्वार्टर में। ध्यान में रखें मूडीज जो है रेटिंग, अभी भी मूडीज ने जो रेटिंग ए माइनस दी हुई थी वो रेटिंग अभी शायद घट के A- रहेगी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब डबल ए माइनस थी रेटिंग, वो माइनस अभी सिंगल ए माइनस पर आ चुकी है, और यहाँ से मार्केट पूरा डाउनग्रेड में जाने वाला है एस बैंक का। और एस बैंक आपको दिखेगा 100 या डाउन भी दिख सकता है उससे, तो आप थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, आपका प्रॉफिट तो बन सकता है, मगर थोड़ा सा ध्यान रखिए आपको प्रॉफिट बनाना कैसा है, उसको हमने बात आपको पूरी जानकारी दी है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे इंकरेजमेंट देता है। देखिए दोस्तों बहुत दिनों से सब्सक्राइब मुझे किसी ने नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं नए नए वीडियो अपलोड करते रहूँगा। अगर वीडियो अपलोड करने की इंकरेजमेंट आपसे मिलेगी तो आपके सवाल का जवाब अपने आप आपको मिलते जाएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का जो बटन है उसे दबाइए, जो कि हमारा जो भी नया वीडियो रहेगा पहली बार आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।